लगा लो आप। चलो बेटा क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, सी इज एडमिटेड फॉर व्हाट, 1/4 शेयर। सी कितने के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए। तो मैंने 10, ए और बी का रेशियो कितना था सर? ए और बी का रेशियो था 3/4 और 1/4, सी मुंह उठा के आ गया 1/4 शेयर के लिए। अगर सी को 1/4 पिज्जा दिया तो बताओ ए और बी के पास कितना बच गया बेटा, 3/4। तो ए के रेशियो कितना होगा, 3/4 ऑफ पूरा पिज्जा की 3/4? सर 3/4। बी का रेशियो कितना होगा, 1/4 ऑफ पूरा पिज्जा की 3/4? 3/4। और सी तो आए कितने के लिए बेटा, 1/4 के लिए। तो नया रेशियो कितना आ गया, 9/16। यहाँ पे कितना आ गया तेरे पास बेटा, 3/16। और चाहे तो इसका एलसीएम लेके सेम कर दे तो ये आ जाएगा 4/16। सर 9:3:4 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई रिपीट, 9:3:4 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा बोला है, सी ब्रिंग 16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब सी कितनी कैपिटल लाया ये तो नहीं पता, हाँ लेकिन वो गुडविल के लिए 16,000 रुपए लाया है। और सर जैसे ही वो 16,000 रुपए लाया है वो किस में बटेंगे बेटा, ए और बी में। वो जो 16,000 रुपए लाया है वो किस में बटेंगे बेटा, ए और बी में, इन द रेशियो 3:1, 3/4 और 1/4। ये कितना हो गया, 12,000 और 4,000। ठीक है सर, कैपिटल के बारे में बाद में बात करोगे सर? हाँ बेटा कैपिटल के बारे में बाद में बात करते हैं, अपन तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। चलो सर फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट सोचें क्या अपन? ठीक है सर सोचो, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा बता। क्या क्या बने हैं, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 3,000। सर पीएफडीटी बना हुआ था क्या? हाँ बेटा पीएफडीटी बना हुआ था, कितने का, 2,000 का। तो बैड डेट्स कितनी हो गई, 3,000 की। तो चल एक्चुअल लॉस कितना हुआ है सर, एक्चुअल लॉस तो 1,000 का ही हुआ है क्योंकि बैड डेट्स 3,000 की थी, लेकिन 2,000 की तो हमने मान के रखी थी होंगी होंगी। तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 1,000 का। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500। बेटा एक बात सुन, इन्वेस्टमेंट बुक में कितने की दी हुई है देख तो जरा सर, 7,000 की। 7 में से 4,500 हटा तो देखो मिलेगा कितना, 1,000 बेटा, 2,500 का ये भी लॉस हो गया अपने को। चलो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटेड टू 2,000। देखना ऊपर WCR कितना बना हुआ था सर, ऊपर WCR बना हुआ था अपना 6,000 का, और 6,000 में से अगर अपन बात करें तो कितने की हो गई है ये, सिर्फ 2,000 की। कितने की हो गई है बेटा, 2,000 का। तो अपना क्या हो गया, WCR तो फायदा हो गया बेटा, कितना हो गया, 4,000 का क्या हो गया अपने पास फायदा। कितने का फायदा हो गया, ऐसे ही कुछ है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। हाँ बेटा ठीक है, और कोई बात बोली है क्या इन्होंने? नहीं सर और तो कोई बात नहीं बोली है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है और लायबिलिटी बोली है 2,000 ही। तो मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बैड डेट्स बोल दी कितने की, 3,000 की, उसमें से 2,000 का तो पीएफडी बना हुआ ही था। तो ठीक है सर, अगर अपन बात करें इसकी ढंग से, और तो कुछ क्वेश्चन में नहीं गए बने? नहीं यार बेटा। तो क्या क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन आएगा? हाँ बेटा आंसर को तो आप चेक कर लेना, अपना तो प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन ही आएगा, टू रिवेल्यूशन का प्रॉफिट। बुक में थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे ये 500 आएगा जो कि ए और बी में बटेंगे। कितने में बटेंगे, ए और बी में। एक मिनट बेटा, एक चीज अपन भूल गए, मुझे माफ करना, मैं आपको बताऊंगा दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि क्या है WCR है तो बुक वालों ने कुछ नहीं करा है, मैं एक बार समझा रहा हूँ। ये तो लॉस है ना, इसको सीधे मान लो बाय लॉस ऑन रिवोल्यूशन कितना, 1,000, जो कि ए और बी में बांट दो 3/4 और 1/4, मतलब 750 और 250। सर वो क्या हुआ बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बेटा। इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने क्या बना के रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सर वो IFR कैसे यूज होता है बता रहा हूँ मैं, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने बना के रखा था 4,100 का। मतलब मुझे खुद को पता था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी भी कम हो सकती है, और उसके लिए मैंने पैसा अलग से निकाल के रखा था जिसको बोलते हैं IFR। तो क्या सर अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है तो वो यहाँ का लॉस है कि रिजर्व में से हटेगा? सर अपन ने तो रिजर्व बना के रखा था, अपन ने रिजर्व बना के रखा था, तो IFR कितने का था, 4,100 का। याद आएगी टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई, 2,500। बाकी बचा हुआ 1,600 क्या हो गया, प्रॉफिट। वो 1,600 किस में बटेगा, ए और बी में, 3/4 और 1/4, 1,200 और 400। सर
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बना के रखा था कितने का? 6,000 का। मतलब आपको लगा था कि कोई भी वर्कमैन का गला वाला कटा आपकी फैक्ट्री में, तो उसको चिपकाने के लिए आपको 6,000 रुपए लगेंगे। तो क्या सर किसी वर्कमैन का गला कटा क्या हमारे यहाँ फैक्ट्री में? यस, वर्कमैन का गला तो कटा, लेकिन उसने मांगे कितने? सिर्फ 2,000। मांगे कितने? 2,000। मेरे को तो लगा था 6,000 मांगेगा, उसने मांगे कितने? 2,000। तो क्या बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हो गया क्या? 2A 2B? हाँ सर, बाकी बचा हुआ तो प्रॉफिट हो गया इन द रेशियो 3/4 एंड 1/4। तो ये 3,000 और 1,000 का जो प्रॉफिट है वो ए और बी में अलग से बटेगा, अलग से बटेगा, ठीक है? वो रिवॉल्यूशन में नहीं आया, नहीं है। मैं चाहता हूँ जितना पढ़ो सब ढंग से पढ़ो। चले बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या ऐसे ही बनता है क्या? ए बी सी, किथे गया सी? तो ए बी और सी करें क्या स्टार्ट? बैलेंस ब्रॉट डाउन बताओ ना कितना कितना है। अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन पढ़े तो कितना कितना है? 54 और 35। चलो सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका? ए का और बी का, 54 और 30। सर बाय गुडविल, गुडविल कितनी बढ़ी थी शायद? 12 और 4। सर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सर ये भी बटा था आपने, 1200 और 400। सर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर ये बता था आपने, 3,000 और 1,000। सर रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है आपको? रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ है? लॉस कितना कितना सर? 750 और 250। रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ है? लॉस 750 और 250। सर उसके अलावा बुक में है ना एसेट साइड में गुडविल भी दी हुई है, क्या उस गुडविल को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा? हाँ यार बेटा, गुडविल भी दी हुई कितनी की है? 40,000 की। तो क्या वो जो बुक वाली गुडविल है वो राइट ऑफ होती है? हाँ, पहले भी बता चुका हूँ कि बुक वाली गुडविल तो हमेशा ही राइट ऑफ होती है। तो अगर 40 की है तो ए में कितनी? 30 और बी में कितनी? 10। ठीक है सर, समझते हैं आपकी बातों को, लेकिन मेरे को लगता है इन बातों में मैंने कुछ भी अलग नहीं करा। तो ये फर्स्ट एंट्री है, ये देखो नंबर 1, ये यहाँ से आएगी। जो ये सेकेंड एंट्री है, ये देखो नंबर 2, ये यहाँ से आएगी। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे पोस्ट किया है। ये देखो नंबर 3, ये यहाँ पे, और ये तो रिवॉल्यूशन का लॉस था। अगर बच्चा मुझे बैलेंस कैरेट डाउन बता दे तो बड़ा मजा आने वाला, मजा आने वाला है। कैसे देखते हैं कैसे कैसे मजा आता है बैलेंस कैरेट डाउन के साथ। अगर बच्चे मुझे बता दे कि बैलेंस कैरेट डाउन कितना कितना आ रहा है, सर देख लो, 54 + 12 = 66, 69। ये तो सर 70,200 है, और 70,200 में से अगर आप 30 माइनस कर देते हो तो 40,239,000 शायद 450 आएगा, शायद चेक कर लीजिएगा। ये क्या है? 39,40,40,400 है ये, तो 40,400 है तो 30,400 और शायद 30,150 आ गए। 30,000 कितना? 150। क्या ये अमाउंट है? अभी देखो सी साहब ने बोला, हमने सी को बोला कि कैपिटल लेके आना, तो सी ने बोला पहले तुम अपनी कैपिटल तो निकालो कि तुम्हारे कितने लगे हुए, तुम सारे हिसाब किताब करो फिर मुझे बताना। तो हमने बोला सी भाई तू कैपिटल तो लाना। सी ने बोला लाऊंगा ना, लाऊंगा, आप चिंता मत करो, लाऊंगा मैं। बोले पहले तुम अपनी कैपिटल की औकात बताओ। मैंने सी ऐसी कैसी बात कर रहा है? सी ने बोला मैं तो ऐसी ही बात करता हूँ। सी ने बोला देखो आई एम एडमिट, सी सेज सी इज एडमिटेड फॉर, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। बोले देखो मैं तो अपने 1/4 शेयर के लिए आऊंगा। मैंने बोला हाँ यार। बोले कि इस पूरे पिज्जा में से मेरा हिस्सा सिर्फ ये 1/4 होगा। तो ये जो 1/4 हिस्सा होगा वो किसका होगा बेटा? सी का, सी शेयर। ये जो 1/4 हिस्सा होगा ये किसका होगा? सी का। सी ने बोला कि मेरा हिस्सा तो 1/4 होगा, तुम्हारे पास कितना है? 3/4। तो फॉर 3/4 शेयर, जो तुम्हारे पास 3/4 शेयर ₹1 और 3/4 शेयर, तुम्हारी कैपिटल कितनी? कैपिटल ऑफ ए एंड बी तुम बताओ तुम्हारी कितनी? ए ने बोला यार ये बात अब अलग पूछ रहे हो कि सी कितने के लिए आ रहा है बेटा? सी आ रहा है 1/4 के लिए, और 3/4 शेयर के लिए वो पूछ रहा है कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी है। मतलब ए का बैलेंस कैरेट डाउन प्लस बी का बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब वो ये बोल रहा है कि तुम्हारे हिसाब किताब कर लो, तुम तुम्हारा रिवॉल्यूशन कर लो,
तुम तुम्हारा रिजर्व्स बांट लो, तुम तुम्हारी गुडविल राइट ऑफ कर लो, उसके बाद बताओ कि थ्री फोर्थ शेयर के लिए तुम्हारी औकात कितनी है। तो फॉर थ्री फोर्थ ऑफ टोटल कैपिटल, थ्री फोर्थ ऑफ टोटल कैपिटल बताओ ए का कितना है 39,450 और बी का कितना है 31,50। तो अगर बच्चे समझे कि थ्री फोर्थ ऑफ टोटल कैपिटल, थ्री फोर्थ ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कितना 69,600, कितना 600। सर ये क्या पूरी कैपिटल आई है कि सिर्फ ए और बी की आई है? सिर्फ ए और बी की, थ्री फोर्थ के लिए। तो अगर कैपिटल निकालनी हो तो इस फोर को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्री को डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेड कैपिटल क्या हो जाएगी? सर एक्सपेक्टेड कैपिटल हो जाएगी 69,600 इंटू फोर डिवाइड बाय थ्री, 69,600 इंटू फोर डिवाइड बाय थ्री। तो सर नाइन्टी टू एट बहुत हंड्रेड सही, किसी बच्चे ने बताने की कोशिश करी है, शायद 92,300 बिल्कुल सही बता रहा होगा जो ये बच्चा बता रहा है, 23, 92,800 92,800। ओके बेटा, तो सर टोटल कैपिटल हो गई कितनी, टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो गई, टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 92,800। और सी ने बोला इसका वन फोर्थ मैं लेके आऊंगा, सी ने बोला मैं इसका वन फोर्थ लेके आऊंगा, मतलब इस बार सी हमारे कहने से कुछ भी कैपिटल नहीं लाया, सी ने हिसाब किताब करवाया। और सी ने हिसाब किताब करके बोला मैं तो मेरी 22,23,200 ही लाऊंगा, मैं तो मेरी क्या लाऊंगा 23,200 ही लाऊंगा। क्या सर ये बात हमको समझ में? तो बाय कैश कितना लाएगा 23,200, तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगा 23,200। फट से बैलेंस शीट बना लेंगे। तो सर वो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट पे बेटा एक नकचड़ी स्माइली बनेगी, नकचड़ी स्माइली, और वो बोलेगी अबे रिवैल्यूएशन को देख, अबे रिवैल्यूएशन को देख। वैसे तो इस बार रिवैल्यूएशन बहुत छोटा सा ही है, तो क्या देखेंगे आप? तो ए बी सी की कैपिटल लिख दो। सर ए बी सी की कैपिटल, हाँ यार ए बी सी की कैपिटल कितनी कितनी है 39,450, 31,50 और 23,000, 23,200। सर ये तो ए बी सी की कैपिटल हो गई। इसके अलावा सर क्वेश्चन में कुछ था क्या? हाँ बेटा, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है ना, 2,000 देने पड़ेंगे ना बेटा अपने को। हाँ सर, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितने की 2,000, तो 6,000 की जगह 2,000 होगी, लेकिन वो देनी पड़ेगी 2,000। और सर एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितने का है बेटा 17,000 का। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो शायद 1,09,800, 1,09,000 भी नहीं, 19,000 ऐड करेंगे ना उसमें, तो 1,00,000 कितना बेटा तुम्हारे पास 11,800 आ रहा होगा। यहाँ पे चेक कर लेना एक बार, 1,11,800। इस तरफ सर क्या क्या आएगा देख यार, सबसे पहले तो कैश ही गिवन है उस तरफ। सर देखो ना यार, कैश का क्या हिसाब है, 6,100 प्लस 16,000 गुडविल के लिए लाया था, प्लस 23,200 लाया था ना उसके लिए, किसके लिए बेटा? 16,000 गुडविल के लिए लाया था और 23,200 किसके लिए लाया था? बोलो बोलो बोलो, अपनी कैपिटल के लिए। तो सर ठीक है, तो 16 प्लस 6 कितना हुआ 22, और 23,45, तो ये आ गया पूरा 45,300। चलो सर स्टॉक कितना है? स्टॉक एज इट इज ही रहेगा कितना बेटा 15,000। ठीक है सर, व्हाट नेक्स्ट? अपने पास स्टॉक के बाद डेटर्स, अगर अपन देखें डेटर्स कितने के हो जाएंगे बेटा देखो जरा, 50,000 में से कितने माइनस करूं 2,000 की 3,000। सर 3,000 बताया तो था बैड डेट्स हो गई हैं, तो 47,000। फिर क्या हुआ इन्वेस्टमेंट बता, इन्वेस्टमेंट कितने की लिखूं? तू ही बता इन्वेस्टमेंट 7,000 की कि 4,500 की? 4,500 की। ये देख ले बेटा 47 प्लस 45 92, 1,00,000 कितना 92 प्लस 15 1,07,000, 1,11,000, 1,11,800 पे मेरी बैलेंस शीट। तो टेन आपको गिवन है कि ए और बी रेशियो था 3:1, और आगे दिया हुआ लिएंडर आ गया उनके पार्टनर में, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। वाह यार, तो सर क्या ओल्ड भी गिवन है नया भी गिवन है? हाँ यार बेटा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए और बी का रेशियो था बेटा ओल्ड रेशियो 3:4 और 1:4, और जब कोई नया सी आ गया ना तो ये तो ओल्ड था, तो न्यू निकाल ले, उसमें न्यू गिवन है यार 3:2, 2:3, 3:2, 2:3 मतलब 3:8, 2:8 और 3:8। ठीक है सर, 3:2,
2:3 ऐसा क्वेश्चन गिवन है। तो सर क्या ओल्ड माइनस न्यू कर ले क्या? हाँ बेटा ओल्ड माइनस न्यू कर ले। वैसे मेरे को तो ये समझ में ही आ रहा है कि अगर तू 3/4 - 3/8 करेगा और 1/4 - 2/8 करेगा, 0 - 3/8 करेगा, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना बार आ जाएगा? 8 × 2 × 1 तो 6 - 3 और यहाँ पे तो ये 1/4 का 1/4 ही है, ये तो कट जाएगा 0 और ये -3/8 का मतलब मेरे को एक बात समझ में आई। इस बार जो सी आया ना, इस बार जो सी आया, जो सी को हिस्सा दिया गया वो ए और बी ने दोनों ने मिलके नहीं दिया, सिर्फ ए ने दिया। क्या बात कर रहे हो सर? देख ना बेटा, बी तो पहले भी 1/4 पे था और नए में भी 1/4 पे, तो बी ने बोला भाई मैं तो कुछ नहीं दे रहा, ए तेरे को कुछ देना हो तो दे। तो क्या सर ए ने दिया? हाँ यार बेटा ए ने ही दिया। तो जो भी ये गुडविल लाया होगा, कौन? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, कितनी लाया है? शायद 16,000 लाया है क्वेश्चन के हिसाब से। देखना बेटा वो पूरी किस में बटेगी? सिर्फ ए में। सर ए और बी में क्यों नहीं बटी? अरे बी ने कुछ दिया क्या सी को? आज एक बात बताओ कि जब सी पार्टनरशिप में आया, जब सी नए ने तुमको आया, तो सी जब तुम्हारे पिज्जा में तुम्हारा हिस्सा मांगने आया तो बी ने बोला भाई मैं तो कुछ नहीं दे रहा, ए को देना हो तो दे दे। तो क्योंकि क्योंकि बी ने कुछ दिया ही नहीं, तो जो सी हिस्सा लाया अपनी गुडविल का, क्या वो दोनों में बटेगा? क्या वो दोनों में बटेगा कि सिर्फ ए में बटेगा? सिर्फ ए में बटेगा सर। सर अब फटाफट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा दो। अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं तो बेटा क्या बोला है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला है कितने का बेटा? 2000 का। ऐसा बोला है क्या? देख तो जरा, पीएफ रेडी इज टू बी रिड्यूस बाय 2000, मतलब 2000 रुपए से कम करना है। तो अपना क्या लॉस ज्यादा हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? सर यार ये तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट ही है, क्योंकि अगर पीएफडीडी कम करना पड़ रहा है मतलब हमारा बिजनेस अच्छा है। रिड्यूस बाय 2000, ठीक है बेटा। फिर देखो क्या बोला है, एक ओल्ड टाइपराइटर था जो बुक्स में दिख नहीं रहा था, अब वो रिकॉर्ड होगा। तो सर अगर ओल्ड टाइपराइटर था कितने का? 2400 का, और जो बुक्स में दिख भी नहीं रहा था और अब बोल रहे हैं हाँ अब टाइपराइटर दिख रहा है, नया कोई पुराना मिल गया वो टाइपराइटर फ्री का, तो सर वो तो आ गया बिजनेस में, अच्छी बात है सर, एसेट बढ़ गया। आपको बोला है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब जो बुक्स में पेटेंट्स दिख रहे हैं ना एसेट्स के नाम पर, देखते जरा कितने के पेटेंट्स? 1000 रुपए। बोले उनका कोई भी मान्य नहीं है, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। मैं ठीक है भाई, मैंने बोला भाई यहाँ पे 400 हो गया, यहाँ पे 1000 है, तो 2 प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? 3400। ठीक है सर, वो किस में होगा? ए और बी में बटेगा। कौन से रेशियो में? 3/4 और 1/4। तो सर 1/4 कैसा हो जाएगा? 850 यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी बचा हुआ तुम देखोगे तो 1750 यहाँ पे आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाने की कोशिश कर दो। मैंने बोला ठीक है बेटा, देखिए और पूछ पूछ फटाफट बना लेते अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, सबसे पहले तो बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन, किस किस का बेटा? ए और बी का। कितना कितना है बेटा? 60 और 20। क्या बात कर रहे हो सर? 60 और 20, 60,000 और भैया कैमरा कर दो, कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो, बिल्कुल फिक्र ले लो, 60,000 और 20,000। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 और 20,000। ठीक है सर, और क्या है सर इनके पास? गुडविल बटी है, लेकिन गुडविल तो सिर्फ एक ही मिली है पूरी 16,000। सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी था, मैंने बोला हाँ बिल्कुल था, तेरे लिए भी था मेरे लिए भी था, 2550 और 850। सर क्या बुक में रिजर्व भी है क्या? देख तो जरा, क्या बुक में रिजर्व है क्या? देख तो बेटा। सर हाँ यार बुक में रिजर्व है, कितने के? 16,000 के। क्या बटेंगे ए और बी में? हाँ सर बुक में रिजर्व है 16,000 के, तो ए और बी में बटेंगे कितना? 12,000 और 4,000। सर और कोई लॉस दिख रहा है क्या? बेटा कोई लॉस तो नहीं दिख रहा। ठीक है सर, तो यहाँ पे सर बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लें क्या फट से? 2 बैलेंस कैरेट डाउन कितना कितना बेटा? 60 + 28 और 2 = 30, ये तो हो गया 9550, यहाँ पे आएगा 24850। सर ये तो आ गया 9550 24850। क्या बात कर रहे हो सर, ये वैल्यू भी आ गई क्या आपके पास? हाँ बेटा ऐसा बोला है कि लेंडर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लेंडर फिर से वही बातें कर रहा है,
कैसी वाली, जो पिछली बार सी ने करी थी। तो सी अपन लैंडर प्लस सी है, सी बोल रहा है ऐसे अच्छे से ब्रैकेट में, सी इज एडमिटेड फॉर, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी कितने के लिए आया बेटा? 1/4 शेयर के लिए। उसने बोला हाँ मैं तो नहीं, सी 1/4 के लिए आया कि 3/8 के लिए आया? सी इज एडमिटेड फॉर 3/8 शेयर, नया रेशो 3/8 ना, सी इज एडमिटेड फॉर 3/8 शेयर। तो सी ने बोला भाई मैं तो 3/8 के लिए आया, तो मतलब तुम्हारे पास कितना बचा, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, अगर 1 में से 3 बाय 8 हो जाएंगे तो बचेगा कितना, फॉर 5/8 शेयर, और 5/8 शेयर तुम तुम्हारी कैपिटल बताओ, ए की कैपिटल बताओ और बी की कैपिटल बताओ कितनी है, तो 5/8 क्योंकि 3 बाय 8 के लिए तो कौन आया, सी आया, और बच कितना गया 5/8, तो 5/8 ऑफ टोटल कैपिटल इज इक्वल टू ए का बैलेंस, दैट इज व्हाट 90, 550 प्लस 24, 850, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, तो 5/8 ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, अगर बच्चे देखें ध्यान से तो जितना मुझे समझ में आ रहा है 115,000 कुछ 400 आएगा, जितना मेरे को लग रहा है 115,400, और 5/8 ऑफ टोटल कैपिटल बैलेंस कितना कितना आ जाएगा बेटा 115,400। ठीक है सर, अब गुनगुन को बताना पड़ेगा बेटा, गुनगुन बेटा 8 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो टोटल कैपिटल कैसे आएगी, अगर अपन बात करें तो टोटल कैपिटल कैसे आएगी, टोटल कैपिटल ऐसे आएगी 115,400 इंटू 8 डिवाइड बाय कितना 5, इंटू 8 डिवाइड बाय कितना 5। ठीक है ना सर, क्या मल्टीप्लाई कर दें क्या? मल्टीप्लाई कर तो सकते हो, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूं क्या, टोटल कैपिटल है ना? हाँ सर ये टोटल कैपिटल है, चिंता मत कर, इसको पहले काट दे वाले, ये कितना आ रहा है 2 फिर 3 तो 2 3, और फिर यहाँ पे कितना आएगा 0, 40, 0 इंटू 8, 2 3 0 8 0 इंटू कितना बेटा 8, 2 3 0 8 0 इंटू 8। सर आपने इंटू 8 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि समझना यार बेटा, देखो सी का शेयर निकालना है, सी का शेयर कैसे निकलेगा, सी शेयर इज इक्वल टू जो भी कैपिटल है 2 3 0 8 0 इंटू 8 का कितना निकालना है 3/8, भाई सी का शेयर तो यही आएगा ना 2 3 0 8 0 का 3/8, मेरे को पता है ये 8 से 8 बाद में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बात कर रहे हो सर, ये 8 से 8 कट जाएंगे क्या? हाँ यार बेटा ये 8 से 8 कट जाएंगे, तो बता कितना बच गया, ये अप्रोक्सीमेट बच गया 69,240। तो सर सी की कैपिटल कितनी हो गई 69,240, क्या बात कर रहे हो सर, तो सर सी की कैपिटल भी आ गई क्या? हाँ, चुपके से यहाँ पे लिख दो बाय कैश 69,240, बाय कैश व्हाट 69,240। तो सर आप हमको डाउट तो लेना ही लेना, दे रहा हूं बेटा डाउट, मैं पहले तेरे को थोड़ा सा हाथों हाथ बैलेंस शीट भी समझा दूं, फिर 2 मिनट के लिए डाउट ले लेता हूँ। सर बैलेंस शीट कैसे बनेगी देखना यार बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अपने पास ए बी और सी की क्या गई कैपिटल, अपने पास ए बी और सी की क्या गई कैपिटल 90,550, 24,850 और 69,240, ए बी और सी की अपने पास क्या आ गई कैपिटल। ठीक है सर ये तो आई गई, सर और क्या है, क्रेडिटर्स हैं कितने के? सर क्रेडिटर्स हैं अपने पास 30,000 के, बिल्स पेबल है अपने पास 1,000 के, क्रेडिटर्स भी हैं बिल्स, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है अपने पास, आउटस्टैंडिंग सैलरी है अपने पास कितने की, शायद 2-3 हजार की, शायद 3,000 की। अगर बच्चे समझना चाहें तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, इसकी टोटल निकाल के देखोगे तो अच्छा खासा सिस्टम आएगा। सर एसेट में क्या चेंज होगा, देख बेटा जो कैश था ना कैश, तो 4,000 तो था ही, 16,000 भाई अपनी गुडविल के लिए लाया और 69,240 अपनी कैपिटल के लिए लाया, कुल मिला के कितना हो गया 89,240। ये तो अपना कैश लाया। सर डेटर्स, डेटर्स बेटा क्या होंगे खुद बता, डेटर्स जो 50,000 के थे उसमें से सिर्फ 3,000 ही माइनस होगा, क्योंकि 2,000 का पीएफडी, देख ना 2,000 का पीएफडी अपन ने एडजस्ट कर दिया है, तो डेटा कितने के आएंगे 47,000। उसके बाद स्टॉक में कोई चेंज नहीं 30 का, ठीक है सर स्टॉक में कोई चेंज नहीं 30 का, बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं 10 के, हाँ भाई 10 के। उसके बाद क्या, पेटेंट्स तो आएंगे ही नहीं,
क्या सर मशीनरी आएगी? हाँ बेटा मशीनरी आएगी कितने की? 40,000 की, और एक टाइपराइटर भी पैदा हो गया था ना, टाइपराइटर। सर ये कहाँ से आते? यहाँ से टाइपराइटर 2,200 से। तो यहाँ पे तेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो क्या सर आपने बैलेंस शीट भी बनवा दी क्या? हाँ बेटा बैलेंस शीट भी बनवा दी सर। अब क्या, अब क्या, अब आता है सबसे पहला।